गुड मॉर्निंग क्लास फोर बेटा, आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, लेसन फोर, जिसका नाम है थ्री थीव्स एंड वाइज जज, यानी तीन चोर और एक वाइज यानी ईमानदार न्यायाधीश। मैं चैप्टर रीड कर रही हूँ, आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए और लेसन को ध्यान से सुनिए। वंस थ्री थीव्स स्टोल द पॉट ऑफ गोल्ड इन टाउन। एक बार तीन चोर होते हैं जो कि एक छोटे से कस्बे से एक सोने का घड़ा चुराते हैं। Then they decided to go their village, और निर्णय लेते हैं कि जल्द से जल्द वो अपने गांव चले जाएं। It become very dark while they were no their way. जब वो on the way होते हैं तब बहुत रात हो चुकी होती है। They were afraid because they had gold with them. वो बहुत डरे हुए होते हैं क्योंकि उनके पास खूब सारा सोना होता है। Their leader said, उनका जो लीडर होता है वो कहता है, I fear we cannot reach our village safely with all this gold. Let's stay here in some lodge. तो जिनका जो लीडर होता है चोरों का, वो कहता है कि सोने के साथ हम लोग सेफ नहीं है, इसलिए हमें यही कोई आसपास एक रहने के लिए एक जगह ढूंढ लेनी चाहिए और वहां रहकर रात बिता देनी चाहिए। आफ्टर दिस सर्च दे रीच द हट ऑन द ओल्ड वुमैन हु एग्री एट द लेट देम स्टे फ्रॉम द नाइट। चलते चलते झोंपड़ी में पहुंचे जिसमें एक बुढ़िया रहती थी और वो उन तीनों को आश्रय देने के लिए तैयार हो गई। नन ऑफ द थीव्स ट्रस्ट एनी दिस कंपेनियंस ऑफ द पॉट ऑफ गोल्ड। तीनों चोर उस जो घड़ा था सोने से भरा हुआ उसके लिए वो किसी पे विश्वास नहीं कर पा रहे थे। सो दे डिसाइडेड टू कीप इट विद द वुमेन। इसलिए उन्होंने क्या किया, वो घड़ा उस बूढ़ी औरत को दे दिया, यानी उन तीनों को अपने एक दूसरे पर विश्वास नहीं था, इसलिए वो घड़ा रात को उन्होंने उस औरत को दे दिया। दे डिसाइडेड टू हर, प्लीज कीप दिस पॉट विद यू, आप कृपा इसे अपने साथ रखें। डोंट गिव इट नो एनी वन टिल द थ्री ऑफ अस टुगेदर आस्क फॉर इट। और आप तब तक ही मत किसी को देना हमें से जब तक हम तीनों उसको देने के लिए सहमति ना दें। दे टोल्ड द ओल्ड वुमेन दैट दे वुड स्टे देयर ऑल द होल नाइट एंड वुड टेक इट द बैक इन मॉर्निंग। दे ऑल्सो रिक्वेस्ट टू हर टू कीप इन द सेफ्टी प्लेस फॉर हर। और उन्होंने रात को उसे एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए दे दिया। द थीव्स वर हंग्री, दे वर नो अरेंजमेंट ऑफ द फूड ऑन द अरेंजमेंट ऑफ फूड दे ओल्ड वुमेन सो दे कुक देयर ओन। अब दिन ऐसा होने लग जाता है तो जो लेडी है, मतलब रात को वो अपने खाने का बंदोबस्त करते हैं तीनों चोर। और दे वेंट टू एंटर ईटन द डिनर, दे सैट अंडर ए ट्री एंड बिगिन टू टॉक। और खाना वाना खा के एक पेड़ के नीचे बैठ के बातचीत करने लगते हैं। द यंगेस्ट थीफ वॉन्टेड टू गेट द पॉट ऑफ द गोल्ड फॉर हिमसेल्फ। ही वॉज वेरी क्लेवर सो ही वॉज ट्राइंग टू थिंक अ प्लान। उसमें से एक चोर होता है, तीन में से बहुत चतुर होता है, वो क्या प्लान करता है, उसके मन में चल रहा है कि एक घड़ा जो है सोने का वो मैं ले लेता हूँ, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। जस्ट देन द वुमेन केम देयर सेलिंग द कर्ड, लेट्स बाय द सेम कर्ड सैड ही। और वो क्या करता था, उसने एक प्लान बनाया कि वैसा ही सेम घड़ा लाता है, क्योंकि जो बूढ़ी औरत है वो कर्ड यानी दही बेचने का काम करती थी, तो वैसा ही घड़ा लाता है जैसे उनका सोने का पॉट होता है, वैसा ही पॉट लाता है और उसमें दही भर देता है। द लीडर ऑफ थीव्स ऑल्सो वॉज फाउंड ऑफ द ऑफ कर्ड सो ही एग्री, ही डिसाइडेड टू यंगेस्ट थीव। और वो अपना पूरी योजना बनाता है। एंड गो ब्रिंग द पॉट फ्रॉम द ओल्ड वुमेन, द क्लेवर थीव वॉज द एगर एंड गेट द अपॉर्चुनिटी विच हिट गॉट। ही एक्ट्स वंस वेन टू वुमेन आस्क्स टू गिव हिम पॉट दे। अब वो क्या करता है, बूढ़ी औरत के पास जाता है और कहता है कि वो घड़ा सोने का मुझे दे दो और ये घड़ा ले लो। तो वो कहती है मैं ऐसे घड़ा नहीं दूंगी, क्योंकि बात हुई थी कि जब तक आप तीनों सहमत नहीं होगे या आपका लीडर सहमत नहीं होगा, मैं ये घड़ा किसी को नहीं दूंगी। तो कहते हैं लेकिन मुझे मेरे मास्टर ने भेजा है। एट दिस यंग थीव सैड डियर मदर, लेट माई हिमसेल्फ द सैट मी द गेट द पॉट। वो कहता है कि माँ, मेरे को बूढ़ी माँ, मेरे लीडर ने ही मुझे यहाँ भेजा है पॉट लेने के लिए। द ओल्ड वुमेन वॉज टू बिजी टू गो आउट एंड सेक आस्क टू लीडर। अब वो बहुत बिजी होता है इसलिए वो लीडर से बात करता है। शी शाउटेड फ्रॉम इनसाइड द हाउस टू आस्क द लीडर व्हाट एवर दे शुड गिव द पॉट ऑफ द यंग मैन। तो बहुत बिजी होती है और अंदर घर के अंदर से ही बाहर बैठे लीडर से पूछती है कि इसको ये घड़ा दे देना है। द मैटर वॉज नॉट क्लियर टू एनी बडी, द लीडर इज डिड नॉट अंडरस्टूड दैट शी वॉज टॉकिंग अबाउट द पॉट ऑफ गोल्ड। ही हैड आस्क्ड टू कंपेनियन ऑफ टू ब्रिंग द पॉट ऑफ कर्ड। वो ये सोचता है कि जब आवाज क्लियर नहीं जाती तो चोर का जो लीडर होता है उसको ये लगता है कि बूढ़ी औरत अपने दही के घड़े के लिए पूछ रही है, तो वो कहता है हाँ इसको दे दो।
सो द लीडर शाउटेड द आउटसाइड टू गिव इट हिम, हाँ तुम इसे दे दो. सो द ओल्ड वुमैन गिव द पॉट ऑफ द गोल्ड द यंग मैन एंड ही रन्स अवे विद इट, और वो उससे सोने का घड़ा ले लेता है, वहां से चला जाता है. द लीडर ऑफ थीव वॉन्टेड टू सम टाइम ही वॉन्ट टू इनसाइड द हर्ट, ही सून फाउंड द एवरी एनीथिंग. दिस इज द ओल्ड वुमैन बीइंग द केयरलेस एंड आस्क द पे हिम ऑफ द लॉस्ट गोल्ड. जैसे वो अंदर आता है, देखता है सोने का घड़ा नहीं है, तो वो बुढ़ी औरत से पूछता है वो सोना का घड़ा कहाँ गया. वो कहती है आपके आदमी को दिया. वो मानता नहीं है और उससे वो गोल्ड जो होता है उसकी डिमांड करता है. द ओल्ड वुमैन टेकन द बैक द इनोसेंट ही वॉज टू पुअर पे इवन द बीट ऑफ गोल्ड. वो कहती है मैं बहुत गरीब हूँ, मैं तुम्हें वो सोना कहाँ से दे सकती हूँ. शी बिगेन टू लीड द फॉरगिव हर फॉर इट फीट बट इट वॉज नो यूज. वो खूब उसके पैर जोड़ती है, हाथ जोड़ती है कि मैं तुम्हें वो सोना नहीं दे सकती, मैं तो तुमसे पूछ के दिया था, तुम्हारी गलती हो गई, अब मैं वो सोना तुम्हें कैसे लौटाऊं. लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता. देन द ओल्ड वुमैन अप्रोच्ड द किंग एंड टोल्ड हिम द होल स्टोरी. जब बूढ़ी औरत को कुछ समझ नहीं आता तो वो वहां के राजा के पास पहुंचती है और उसे पूरी कहानी बताती है. सो किंग सेंड द वाइस मिनिस्टर हु इज द नाउ इज द हिज जजमेंट. द ओल्ड वुमैन नेटर्ड द होल स्टोरी टू हिज मिनिस्टर एंड मिनिस्टर फिक्स द डे फॉर द ट्रायल. द डे द ट्रायल और कोर्ट वॉज द फुल ऑफ द प्यूपल एंड हियरिंग द वेटिंग ऑफ द सीन हाउ द मिनिस्टर ऑफ डिसाइडेड टू केस. जब राजा अपने मिनिस्टर को वहां भेजता है और एक तारीख देने को कहता है कि पूरे न्याय के लिए, तो वो उस तारीख के दिन वो सारे लोग और काफी जनता वहां इकट्ठी हो जाती है देखने के लिए कि जो राजा है वो किस कैसे न्याय करेगा. द रिमेनिंग टू द थीव्स द इंक्लूडेड द लीडर ऑल्सो केम देयर. तीनों चोर वहां आते हैं. द लीडर ऑफ द थीव्स द एक्सक्यूज्ड ओल्ड वुमैन देयर केयरलेस. मतलब वो राजा को सारी बात बताता है कि कैसे केयरलेस है ये बूढ़ी औरत, इसने कैसे बिल्कुल बिना सोचे समझे मेरा घड़ा दे दिया. द ओल्ड वुमैन बिगेन द मिनिस्टर फॉर गिव हर शी वॉज वेरी पुअर. वो कहती है सर मैं कैसे, मेरे पास नहीं है, मैं कहाँ से दूं, मैं बहुत गरीब हूँ. देन द वाइस मिनिस्टर पुट सम क्वेश्चन बिफोर द लीडर. ये सब सुनने के बाद जो राजा का मिनिस्टर होता है वो उन तीन चोरों से कुछ क्वेश्चन पूछता है. वॉट अदर रिलेशन डू यू हैव विद अदर टू मैन. लीडर से पूछता है कि दो आदमी से तुम्हारा संबंध क्या है. लीडर कहते हैं दे आर माई फ्रेंड्स, ये मेरे मित्र हैं. मिनिस्टर हाउ डज द पॉट ऑफ गोल्ड बिलोंग टू ऑल ऑफ यू, कि वो तुम तीनों को ही क्यों मिलना चाहिए. फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द पॉट ऑफ गोल्ड. अब ये सब क्वेश्चन सुनने के बाद लीडर के पास कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो गोल्ड भी चुराया हुआ होता है, तो वो मिनिस्टर को क्या कहेगा. जब वो कहते हैं तुम्हारे पास गोल्ड कहाँ से आया, तो वो जवाब नहीं देता. वे आर यू गोइंग इन द नाइट विद द पॉट ऑफ गोल्ड. और फिर वो पूछता है कि ये घड़ा, सोने का घड़ा लेके तुम रात को कहाँ जा रहे थे, तब भी लीडर के पास कोई जवाब नहीं होता. डिड यू टेल दिस वुमेन गिव बैक द पॉट ओनली द थ्री ऑफ यू टूगेदर. मिनिस्टर को सारी बात समझ में आ जाती है. जब वो कोई आंसर नहीं देता तो वो कहता है तुम तीनों नहीं, ये बूढ़ी औरत को घड़ा मिलना चाहिए. यस ही वी डिड. लीडर यस वी डिड, ठीक है हम भी ऐसा ही करेंगे. देन द ब्रिंग द ओल्ड, क्योंकि वो डर गया था कि अगर वो सच्चाई बताएगा कि ये चोरी का है तो वैसे भी उसको सजा मिलेगी. इसलिए लीडर जो मिनिस्टर था उसने कहा कि ये तुम्हारे पास नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम तो कोई मतलब तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है, तुम्हें ये ही नहीं पता तुम कहाँ से ला रहे हो, कौन कहाँ ले जा रहे हो. तो वो मिनिस्टर कहता है ये पॉट आप लेडी को दे दो, तो तैयार हो जाते हैं. देन ब्रिंग ऑल अदर फ्रेंड आंसर द क्वेश्चन एंड ऑल्सो द वुमेन विल गिव द पॉट ऑफ गोल्ड बैक यू. The two thieves were much terrified. They feared to the secret of the disclose. So they gave up the case and woman was so also happy and all people present there the minister of wisdom. जब वो तीनों चोर बहुत घबरा जाते हैं उसके क्वेश्चन से और सजा से, तो वो चुपचाप वो घड़ा औरत को दे देते हैं और औरत वो घड़ा लेके बहुत खुश होती है और वहां जो पूरी पब्लिक होती है वो मिनिस्टर के इस अच्छे से न्याय से, एक बुद्धिमानी के न्याय से काफी प्रसन्न होते हैं. अब मैं इसके बच्चों एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों को फिल करा रही हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे और एमसीक्यू पे टिक लगाएंगे. पहला क्वेश्चन है थ्री थीव्स वर अफियर्ड. जो तीन चोर थे वो क्यों घबरा रहे थे, तो आंसर है दे हैड गोल्ड विद देम. वो इसलिए घबरा रहे थे क्योंकि उनके पास सोना है. मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, थ्री थीव्स वर अफियर्ड बिकॉज बी दे हैड गोल्ड विद देम. सेकेंड एमसीक्यू है वेन दे हैड ईटन देयर डिनर दे. खाना खाने के बाद, रात का खाना खाने के बाद उन्होंने क्या किया. आंसर है सेट एंड बिगेन टू टॉक. वो बैठ गए और वापस बातें करना शुरू कर दिया. फिर से रिपीट कर रही हूं, व्हेन दे हैड ईटन देयर डिनर दे
जब वो रात का खाना खा लिया तो उन तीनों ने क्या किया, वो बैठ गए बातें करने लगे, सैट एंड बिगेन टू टॉक। द केस वॉज डिसाइडेड बाय, ये जो न्याय था वो किसके द्वारा लिया गया था, द मिनिस्टर, राजा का जो मिनिस्टर था उसके द्वारा। तो आप आंसर बताएंगे द मिनिस्टर। तो बच्चों ये चैप्टर की स्टोरी और ये एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैंने आपको कराए उसको आप ध्यान से सुनेंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस को आप अपनी बुक में फिल करेंगे और कहानी को ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू, टेक केयर।